हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट बोनट डैम्पिंग। आज हम बोनट डैम्पिंग करने वाले हैं। बोनट डैम्पिंग क्या होती है, कैसे ये काम करती है एंड आपकी इंजन नॉइस को किस तरीके से कम करती है, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो टाटा टिगोर आज हमारे पास आई है, टाटा टिगोर के अंदर हम ये डैम्पिंग करेंगे। बोनट डैम्पिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आपकी गाड़ी डीजल इंजन के साथ रन हो रही है। डीजल इंजन बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करता है, तो उसके रिलेटेड में आप इसके बोनट में डैम्पिंग करा सकते हैं, जो कि आज की वीडियो में हम आपको चेक कराने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर आप सभी के सामने है टाटा टिगोर एग्जिट वेरिएंट, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये है एग्जिट वेरिएंट, टाटा टिगोर लिखा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल जिस टाइप से ये सेडान लुक में आती है, टियागो से बड़ी है ये, क्योंकि सेडान में है ना टिगोर। तो यहाँ पर हमारी डैम्पिंग है, जो बोनट डैम्पिंग हम बोल रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं आज की वीडियो में। तो गाड़ी के जो बोनट है इसके ऊपर ये डैम्पिंग होती है, जिससे जो इंजन नॉइस है वो कम हो सके। तो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में आता है अमेजोन से, जो आप देख सकते हैं अमेजोन की पैकिंग, और बबल रैप वगैरह भी देती है कंपनी। तो यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं हम, ये कुछ ऐसा रहता है। भैया थोड़ा सा ओपन करके बताइए तो प्लीज़, कितना बड़ा होता है ये आप देखिए। ये कुछ इतना बड़ा होता है। एसयूवी वगैरह है आपके पास में, कोई सेडान है, तो आप इजीली अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। बोनट डैम्पिंग होती है ये, कुछ इस टाइप से रहती है। और आपको थोड़ी सी थिकनेस इसकी दिखा देते हैं, ये आप देखिए थिकनेस होती है ये। एंड जो नॉर्मल डैम्पिंग हम यूज़ करते हैं ना, उससे अलग होती है, जो इंटीरियर में यूज़ करते हैं। ये बोनट डैम्पिंग थोड़ी सी अलग टाइप की है। पीछे में थोड़ा एडहेसिव दिया है, ये आप देख सकते हैं। एंड कंपनी वगैरह का कुछ भी नाम नहीं लिखा है इसमें, नॉर्मली है। और ऊपर में ये सिल्वर टाइप की पेपर है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बड़ी रहती है। जो गाड़ी का बोनट कवर है उसको हमने निकाल लिया है, ये आप देखिए। इसी से इसकी मार्किंग कर रहे हैं। ये जो शीट है ये तो पूरी प्रॉपरली आई है, अपने अकॉर्डिंगली हम इसको कट करेंगे। तो ये बोनट कवर को हमने निकाल लिया है एंड एज इट इज कट करने वाले हैं, जिससे तो यहाँ पर हमारी जो डैम्पिंग है वो लग चुकी है, आप देख सकते हैं जिस टाइप से लगती है बोनट डैम्पिंग। जो नॉर्मल डैम्पिंग आती है उससे बहुत अलग होती है, जो इंजन नॉइज है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो अंदर बोस्टिक लगाया था एंड ऊपर अच्छे तरीके से इसको पेस्ट कर दिया। फोमिंग आप देख सकते हैं, बहुत मोटी ग्रेड का फोम है ये, बहुत मोटा है। तो अच्छी तरीके से आपकी गाड़ी की जो इंजन नॉइज है ना उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा ये। और अब ये जो कवर है जो कंपनी देती है वो हम एज इट इज़ इसके ऊपर फिट कर देंगे अच्छी तरीके से प्रॉपरली। तो यहाँ पर कटिंग हो रही है अच्छी तरीके से एंड ये हम एज इट इज़ ही प्लेस कर देंगे, ताकि जो सिल्वर फॉइल है ना ये कुछ भी नहीं दिखे, एज इट इज़ ब्लैक कलर में ये हो जाए पूरा कंप्लीट। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको डीजल इंजन देखने को मिलेगा। एक्चुअली डीजल इंजन है, नॉइस थोड़ा ज़्यादा करता है, इसलिए ये चीज़ हुई है। आपकी गाड़ी अगर पेट्रोल बेस्ड है ना तो पेट्रोल में भी आप करा सकते हैं। अब जो नॉर्मल डैम्पिंग है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो ये आती है डैम्पिंग, जो हमारे भाई यहाँ पर अभी कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसी होती है। और बोनट डैम्पिंग थोड़ी सी अलग आती है। रीज़न क्या है कि बोनट डैम्पिंग इंजन वगैरह रहता है तो कोई भी शॉर्ट सर्किट ना होना, तो इसलिए ये वाली डैम्पिंग यूज़ नहीं करते हम। ये वाली डैम्पिंग हम जो मेटल पार्ट्स हैं इसी पे यूज़ करेंगे, और ये बोनट पे डैम्पिंग यूज़ नहीं होती है। ये चीज़ का आप खास ध्यान रखें। बोनट के लिए अलग डैम्पिंग आती है जो हमने लगाई है, और ये होती है हमारी गाड़ी की बॉडी डैम्पिंग, जिससे हम जो चारों गेट वगैरह हैं जो बॉडी है उसको डैम्प करते हैं। तो इसकी वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी चैनल पर। अब हम इसका पूरा पैकिंग कर देते हैं एंड आपको इंजन नॉइस सुनाते हैं कि कितनी इंजन नॉइस कम हुई है। ठीक है भैया, एक बार स्टार्ट करिए आप, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो अभी आप नॉइस सुन सकते हैं इंजन की, इंजन जिस तरीके से नॉइस करता है। एंड अभी हम इसको पूरा पैक कर देते हैं।
ये ओपन है, अभी क्लोज नहीं हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो जमीन आसमान का अंतर आया है, आप थोड़ा सा बताइए कितना अंतर आया है, क्योंकि आपने तो ये फिट किया है और आप सुबह से काम कर रहे हो गाड़ी। 70-80% का फर्क तो आया इसके अंदर। अच्छा, 70-80%, मतलब अगर कोई भी डीजल इंजन में अपन लगवाते हैं तो फायदेमंद है। तो अगर आपकी गाड़ी में आप लगवाना चाहते हैं, पैसा वसूल चीज़ है ये, एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम। और अभी गाड़ी के जो इंटीरियर पोर्शन है, इसमें तो डैम्पिंग चल रही है, तो इसमें भी पूरी कंप्लीट होने देते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको ज़रूर मिलेगा, जिसमें हम पूरी डैम्पिंग कवर अप करने वाले हैं। मेन तो फोकस था, आप सभी की रिक्वायरमेंट थी कि बोनट डैम्पिंग आप लेकर आइए चैनल के ऊपर, तो वो बोनट डैम्पिंग हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, लगवाइए इसे, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर आपने सुना, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है जब हम बोनट डैम्पिंग कर देते हैं। गाड़ी के जो इंजन नॉइस है ना, वो बाहर नहीं आती है बोनट से, एंड आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि गाड़ी के इंटीरियर कैबिन में ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है इंजन की। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने डैम्पिंग लगाई थी, बोनट डैम्पिंग। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड 70-80% जो आपकी गाड़ी की इंजन की नॉइस होती है वो कहीं ना कहीं रेक्टिफाई हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर आप ये अपनी गाड़ी के अंदर लगवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन से, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं अगर आपको इसको फिट कराना है। नंबर आपको ऑन डिस्प्ले नजर आएंगे। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, टेक्निकल भोपाल ऑफिशियल। इसी के साथ जल्दी 1,00,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।